नमस्कार, मैं हूं दिव्या बिहारी। न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 10 अक्टूबर, दिन गुरुवार। खबरों के बनने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दाखिल खारिज से जुड़ी अब नहीं हो सकेगी गड़बड़ी। 534 अंचल कार्यालयों में चलेगा विशेष अभियान। रजिस्टरों की होगी जाँच। अधूरे पन्ने में लगाए जाएंगे क्रॉस। पंचायती राज में 15,000 पदों पर होगी बहाली। विधानसभा चुनाव से पहले होगी भर्ती। पंचायती राज मंत्री ने दी जानकारी। कई जगहों पर खुले मां दुर्गा के पट। आज नवरात्रि का 8वां दिन। आज के दिन मां गौरी की पूजा का है महत्व। बिहार में पैक्स चुनाव की तैयारी हुई पूरी। 5 चरणों में होगा मतदान। पहले चरण की वोटिंग 26 नवंबर व अंतिम चरण की वोटिंग 3 दिसंबर को। स्थानांतरण नियमावली पर शिक्षा विभाग ने शुरू की तैयारी। दिसंबर में सभी शिक्षकों की होगी नियुक्ति। पति पत्नी शिक्षकों को होगा फायदा। 2028 तक गरीबों को मिलेगा मुफ्त अनाज। फोर्टिफाइड चावल से सूक्ष्म तत्वों की कमी होगी दूर। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला। आईसीसी रैंकिंग में हार्दिक पांड्या को हुआ फायदा। अर्शदीप ने आईसीसी की रैंकिंग में 8वें स्थान पर लगाई छलांग। देखिए दोनों खिलाड़ियों का शानदार कमबैक। अब चले बढ़ते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से एनटीपीसी गैर तकनीकी श्रेणी के लिए भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के तहत मालगाड़ी मैनेजर सहित अन्य पद 8113 पद भरे जाएंगे। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 20 अक्टूबर थी, जिसे बढ़ाकर 27 नवंबर अब कर दिया गया है। आवेदन के लिए आपको आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जाना होगा। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन पास किया हो। साथ ही कंप्यूटर पर अंग्रेजी या हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए। उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 36 वर्ष होनी चाहिए। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। बिहार के कई अंचलों में दाखिल खारिज से जुड़ी गड़बड़ी देखने को मिल रही है। अब इसे दूर करने के लिए सभी 534 अंचल कार्यालयों में विशेष अभियान चलाए जाएंगे। इस अभियान के तहत सभी रजिस्टरों की गहन जांच की जाएगी, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोई पन्ना जोरा या फारा नहीं गया है। यदि रजिस्टर में कोई पन्ना खाली या अधूरा है तो उसे लाल कलम से क्रॉस कर दिया जाएगा, जिससे गलत तरीके से कोई कर्मी जानकारी ना भर सके। ये अभियान 15 अक्टूबर के बाद शुरू होने की संभावना है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय कर रहा है और इसके लिए एक विशेष टीम का गठन किया जाएगा। यदि किसी अंचल के जमाबंदी रजिस्टर में अधिक गड़बड़ी पाई गई तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस अभियान का उद्देश्य आम लोगों को सहूलियत देना और दाखिल खारिज से संबंधित शिकायतों को कम करना है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात कर रहे करेंगे सुरेंद्र झा सुमन के बारे में। इनका जन्म आज के ही दिन वर्ष 1910 में बिहार के समस्तीपुर में हुआ था। ये एक प्रसिद्ध मैथिली कवि, लेखक, प्रकाशक व संपादक रह चुके हैं। लोग इन्हें सांस्कृतिक सुधारक और मिथिला संस्कृति के प्रवर्तक के रूप में भी जानते हैं। इन्होंने मैथिली में करीब 40 पुस्तकें लिखी थी। इन्हें कई भाषाओं पर शानदार प्रखर के कारण भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा था। इसके अलावा ये विद्यापति पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुके हैं। इनके बंगाली अनुवादों में शरद चंद्र की 12 दीदी, रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि आदि शामिल है। बिहार में रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। दरअसल जल्द ही पंचायती राज विभाग में 15,000 पदों पर नियुक्ति होने वाली है। इसकी जानकारी पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता द्वारा दी गई है। उन्होंने दावा करते हुए कहा है कि विभाग में इन पदों पर भर्ती आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि बीपीएससी के जरिए विभाग में प्रखंड पंचायती पदाधिकारी की नियुक्ति होगी। इसके अलावा राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा क्लर्क स्तर के पदों पर नियुक्ति होगी। वहीं एजेंसी के माध्यम से तकनीकी सहायक पदों की नियुक्ति की जानी है। सूचना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने इसकी जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि पंचायतों में ई कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम इसी महीने से लागू किए जाएंगे और ऑनलाइन माध्यम से पंचायत के फैसले लिए जाएंगे। केस से लेकर तारीख तक की जानकारी लोगों को आसानी से मिल सकेगी और मामलों को जल्दी निपटाने में मदद मिलेगी। शारदीय नवरात्रि में बीते सप्तमी को कई जगहों पर मां दुर्गा के पट खुले हैं।
पूजा पंडालों और कई मंदिरों में पट खुलते ही कई श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी। श्रद्धालु माँ दुर्गा की पूजा रीति रिवाज के साथ करते नजर आए। वहीं आज नवरात्रा का आठवां दिन है। आज महागौरी की पूजा का विशेष महत्व है। महागौरी की पूजा में गुलाबी रंग शुभ माना जाता है, जो प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। आज कई लोग कन्या पूजन भी करते हैं। माँ गौरी को पीले रंग के फूल, माला, सिंदूर, कुमकुम, नारियल और अक्षत चढ़ाना शुभ माना जाता है। सच्चे मन से माँ गौरी से प्रार्थना करने पर भक्तों की इच्छाएं पूरी होती हैं। बिहार में खेल मैदान मनरेगा के तहत बड़े पैमाने पर बनाने की तैयारी है। ग्रामीण विकास विभाग ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है और लक्ष्य है कि नवंबर 2024 तक मैदान निर्माण का एस्टीमेट तैयार कर स्वीकृति प्राप्त की जाए। इस योजना में शिक्षा, खेल और पंचायती राज विभाग का सहयोग भी लिया जाएगा। इस पहल से खिलाड़ियों के लिए ट्रैक, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, बास्केटबॉल के कोर्ट और फुटबॉल गोल पोस्ट तैयार किए जाएंगे। विभाग ने 5000 से 6000 मैदान विकसित करने का लक्ष्य रखा है। गया जिला इस योजना का मॉडल बना है, जहां पहले से कई मैदान तैयार हो चुके हैं। कार्य दो चरणों में पूरा होगा। पहले चरण में मैदान और ट्रैक का निर्माण होगा, उसके बाद गैलरी, कुर्सियाँ और खिलाड़ियों के लिए आवश्यक कमरे बनाए जाएंगे। भूमि के आकार के अनुसार खेलों का चयन किया जाएगा। बिहार में पैक्स चुनाव की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, जिसमें मतदान 5 चरणों में होंगे। पहले चरण की वोटिंग 26 नवंबर को और अंतिम चरण 3 दिसंबर को वोटिंग होगी। बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने गृह विभाग को इस संबंध में सूचना दी है और DGP से चुनाव दिन सुरक्षा इंतजाम करने का आग्रह किया है। मतदान की तैयारियों पर चर्चा के लिए 16 अक्टूबर को संबंधित विभागों की बैठक बुलाई गई है। पैक्स यानी प्राथमिक कृषि स्टाक सहयोग समिति के चुनावों में ग्रामीण क्षेत्रों में उत्साह देखा जाता है, क्योंकि ये समिति किसानों को सस्ते दर पर ऋण प्रदान करती है। चुनाव हर 5 साल में होते हैं और इस बार उन पैक्सों के लिए चुनाव आयोजित किए जा रहे हैं जिनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। पिछले 2 महीनों में वोटर लिस्ट को फाइनल किया गया है और अब उसे प्रकाशित किया जा रहा है। क्या आपको पता है फ्लाइट में बैग डैमेज होने पर या खोने पर आप मुआवजे की मांग कर सकते हैं? भारत में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नियमों के अनुसार एयरलाइन को बैग डैमेज या खोने पर 20,000 रुपये तक का मुआवजा देना पड़ सकता है। शिकायत दर्ज करने की समय घरेलू उड़ानों के लिए 24 घंटे और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए 7 दिन है। यदि आपका सामान खो जाता है तो तुरंत एयरलाइन से संपर्क करें और संपत्ति अनियमितता रिपोर्ट यानी PIR प्राप्त करें। 21 दिनों में सामान ना मिलने पर इसे खोया माना जाएगा और आपको एयरलाइन से लिखित मुआवजा मांगना होगा। सबूत के तौर पर आप बैग की फोटो, खरीद और रसीद और अंदर के सामान की तस्वीरें दे सकते हैं। पटना के गांधी मैदान में विजयदशमी का रावण दहन 69 वर्षों से मनाया जा रहा है। इस बार भी इस उत्सव को लेकर बड़ी तैयारी की जा रही है, जिसमें पटना और गया के कारीगर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के विशाल पुतले बना रहे हैं। रावण की ऊंचाई इस बार 80 फीट, कुंभकर्ण की ऊंचाई 75 फीट और मेघनाथ की ऊंचाई 70 फीट होगी, जो पिछले वर्ष से 10 फीट अधिक है। दशहरा कमेटी के चेयरमैन कमल नेपानी ने बताया है कि इस वर्ष 2 मंजिला सोने की लंका तैयार की जा रही है, जिसमें हनुमान जी 3 चक्कर लगाएंगे। कार्यक्रम में इको फ्रेंडली पटाखे और रंग बिरंगी आतिशबाजी का प्रदर्शन भी होगा। सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन के साथ बातचीत चल रही है और बैरिकेडिंग के जरिए सुरक्षा घेरा बनाया गया है। इस कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को भी निमंत्रित किया गया है। आपको बता दें कि रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन 12 अक्टूबर को शाम 6:30 बजे किया जाएगा। बिहार में अभी भी 37,000 से ज़्यादा निजी स्कूल बिना मान्यता के चल रहे हैं। बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 के तहत जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि वे अपने जिलों में संचालित निजी विद्यालयों की मान्यता के लिए ई संबंधन पोर्टल पर कुल 49,702 स्कूलों ने आवेदन किया, लेकिन केवल 11,995 स्कूलों को ही मान्यता मिली। इनमें से महज 5,562 स्कूलों ने ही अपनी सीटों की जानकारी पोर्टल पर अपलोड की है। बिना मान्यता वाले स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों का कोई सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा और उनका नाम सरकारी रिकॉर्ड में भी दर्ज नहीं होगा। ऐसे स्कूलों को पहले 15 दिन का नोटिस दिया जाएगा, फिर नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। बच्चों को नजदीकी मान्यता प्राप्त स्कूलों से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा।
भारतीय पुलिस सेवा के दो वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला किया गया है। 2003 बैच के आईपीएस अधिकारी राकेश राठी को पूर्णिया का पुलिस महानिरीक्षक यानी आईजी नियुक्त किया गया है, जबकि 2006 बैच के आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे को पटना भेजा गया है, जहां उन्हें पुलिस महानिरीक्षक प्रशिक्षण की जिम्मेदारी दी गई है। गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी। बता दें कि शिवदीप लांडे, जिन्हें सुपर कॉप और सिंघम जैसे उपनामों से जाना जाता है, उन्होंने अभी हाल में भारतीय पुलिस सेवा से इस्तीफा देने का निर्णय लिया था, जिससे उनके फैंस में मायूसी छा गई थी। हालांकि उनका इस्तीफा भी मंजूर नहीं किया गया है। लांडे का तबादला अब पटना किया गया है। नवंबर से राज्य के सभी प्रारंभिक एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों की रैंकिंग की जाएगी। इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। जारी निर्देश में कहा गया है कि रैंकिंग के लिए विशेष फॉर्मेट सभी जिलों को उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिसमें विभिन्न गतिविधियों के लिए भारांक तय किए गए हैं। कुल योग 100 अंक होंगे और इसे शिक्षकों के वार्षिक मूल्यांकन में शामिल किया जाएगा। विद्यालय स्तर पर फॉर्मेट सही ढंग से भरने के लिए प्रखंड स्तर पर प्रधानाध्यापकों और प्रभारी प्रधानों की बैठक कर प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाएगी। रैंकिंग में शिक्षण संसाधन उपयोग, साफ सफाई, शिकायत निवारण और सह शैक्षणिक गतिविधियों के लिए अलग अलग अंक निर्धारित किए गए हैं। इसमें वार्षिक और अर्धवार्षिक परीक्षाओं के लिए औसत अंक के लिए अधिकतम 20 अंक, मासिक परीक्षाओं के लिए 10 अंक और उपस्थिति के लिए 10 अंक शामिल है। स्वच्छता के लिए कुल 15 अंक निर्धारित किए गए हैं। बिहार के लोगों को केंद्र की तरफ से बड़ी खुशखबरी मिली है। दरअसल बेगूसराय जिले में कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल खोलने को लेकर केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई है। इसकी जानकारी सोशल मीडिया के जरिए भाजपा सांसद गिरिराज सिंह ने दी है। उन्होंने कहा है कि बेगूसराय में ESIC यानी कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल खोलने की केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। बेगूसराय के बरौनी क्षेत्र में ये अस्पताल 100 बेड की क्षमता वाला होगा, जिसका फायदा हजारों श्रमिकों और आम जनता को मिलेगा। इलाज के लिए अब यहां के लोगों को बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्थानांतरण नियमावली जारी होने के बाद शिक्षा विभाग ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। जारी हुए इस नियमावली को लेकर शिक्षा मंत्री ने कहा है कि दिसंबर में सभी शिक्षकों की नियुक्ति हो जाएगी। शिक्षकों के तबादले को लेकर शिक्षक संघ की शंका पर कि पैसों का लेन देन होगा, इसका जवाब भी शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने दिया है। उन्होंने कहा है कि हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, मैनुअल कुछ भी नहीं होगा। शिक्षक को 10 ऑप्शन देंगे, सॉफ्टवेयर के माध्यम से उस पर निर्णय हो। सभी सक्षमता पास शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। सभी सरकारी शिक्षक होंगे और दिसंबर तक सभी की ज्वाइनिंग हो जाएगी। आगे उन्होंने जानकारी दी कि सभी शिक्षकों को 10 विकल्प देने होंगे। शिक्षक सरकार के स्थानांतरण पॉलिसी के तहत अपने जिले में भी आप ट्रांसफर करा सकेंगे। शिक्षकों का ट्रांसफर अब हर 5 साल पर होगा। उन शिक्षकों को ज्यादा फायदा होगा जो पति पत्नी दोनों शिक्षक हैं। यदि कोई शिक्षक किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है या शिक्षक दिव्यांग है तो इससे संबंधित आवेदन मिलने पर उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL अपने नेटवर्क को तेजी से अपग्रेड करने की योजना बना रही है। इसकी जानकारी BSNL के अधिकारियों ने संसदीय समिति को दी है। उन्होंने बताया कि वे अगले 6 महीनों में 4G टावरों की संख्या 24,000 से बढ़ाकर 1,00,000 करने का लक्ष्य रख रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत कंपनी देसी तकनीक का उपयोग कर बेहतर सेवाएं देने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। संसदीय समिति की बैठक में BSNL में गिरते यूजर बेस और कॉल ड्रॉप की समस्याओं पर चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि लगभग 54,000 4G टावर इंस्टॉलेशन के लिए तैयार हैं और कई साइटों पर नेटवर्क अपग्रेडेशन पूरा हो चुका है। इसके अलावा BSNL कार्बन मोबाइल के साथ साझेदारी कर 4G फीचर फोन लाने की योजना बना रहा है, जिससे ग्रामीण ग्राहकों को महंगे स्मार्टफोन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देश के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून कहे जाने वाले टाटा के चेयरमैन श्री रतन टाटा का देर रात निधन हो गया। इन्होंने 86 वर्ष की उम्र में आखिरी सांस ली है। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक रतन टाटा ने मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली। पिछले कुछ दिनों से तबीयत खराब होने के कारण वे ICU में भर्ती थे। बता दें कि रतन टाटा अपने उदार दिल और दरिया दिली के कारण भी लोगों के बीच पसंद किए जाते हैं। बिहार में कर चोरी रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का इस्तेमाल किया जा रहा है। पिछले साल AI की मदद से 50 करोड़ रुपए की कर चोरी पकड़ी गई थी। वाणिज्य कर अधिकारी अब पूर्व अनुमानित मॉडलिंग के माध्यम से क्लाउड आधारित AI डेटा की समीक्षा कर रहे हैं, जिससे फर्जी रजिस्ट्रेशनों और GST चोरी का पता लगाना आसान हो गया है। सरकार GST इको सिस्टम में बिलिंग को सुरक्षित बनाने के लिए कई उपाय कर रही है। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण को GST रजिस्ट्रेशन के लिए अनिवार्य करने के साथ साथ अन्य पहल भी किए जा रहे हैं। ये कदम चोरी को रोकने में सहायक होगा।
चल रहे शारदीय नवरात्रि के बीच मौसम का मिजाज भी बदल चुका है। प्रदेश में कई जगहों पर हल्की बारिश देखने को मिली, वहीं कई जगहों पर आकाशीय बिजली को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया था। आज प्रदेश में कई जगहों पर मौसम शुष्क रहने की संभावना है, हालांकि आज भी एक या दो जगहों पर बारिश हो सकती है। मौसम को लेकर विभाग द्वारा किसी तरह की चेतावनी जारी नहीं की गई है। आज प्रदेश में अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है, वहीं न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री रहने की बात कही गई है। पटना के फतुहा रेल पुलिस ने विशेष अभियान चलाया था। इस अभियान में पुलिस ने 93 लीटर विदेशी शराब बरामद किए हैं, जो सेब की पेटी में लावारिस हालत में मिले। रेल थाना अध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि दशहरा पर्व के मद्देनजर शराब तस्करों पर नजर रखने के लिए पुलिस ने चेकिंग की। चेकिंग के दौरान एक कपड़े में बंधी सेब की पेटी मिली, जिसमें सेब के अलावे शराब की बोतलें थी। वहीं खुसरूपुर रेल पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर दो युवकों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास 80 बोतल यूपी निर्मित विदेशी शराब थी। गिरफ्तार व्यक्तियों की पहचान आर्यन कुमार और आलोक रंजन के रूप में हुई है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक देखने को मिली। इस बैठक की जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह फैसला किया है कि मुफ्त अनाज का लाभ 2028 तक गरीबों को मिलता रहेगा। 17,082 करोड़ रुपए का खर्च साल 2028 तक पौष्टिक तत्वों से भरपूर चावल की मुफ्त आपूर्ति का फैसला केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खाद्य कानून और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत लिया। को बता दें कि फोर्टिफाइड चावल स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं, इससे लोगों को सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी दूर होगी। इसके अलावा जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक फोर्टिफाइड चावल की मुफ्त आपूर्ति जारी रखने की मंजूरी मिली है। साथ ही सीमावर्ती इलाकों में बुनियादी ढांचे का विकास होगा। इस क्षेत्र में 2,280 किलोमीटर सड़कों का निर्माण 4,406 करोड़ रुपए के निवेश से किया जाएगा। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर शिक्षकों की पदस्थापना नीति में संशोधन की मांग की है। संघ के महासचिव और पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने कहा है कि सभी हितधारक शिक्षक संगठनों ने ऐच्छिक स्थानांतरण की मांग की थी, लेकिन नीति में इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। उन्होंने बताया कि वर्तमान नीति के तहत शिक्षकों को उनके गृह अनुमंडल में कहीं भी पदस्थापित करने का प्रावधान नहीं है, जिसे उन्होंने नकारात्मक बताया है। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि स्थानांतरण की प्रक्रिया को हर 5 वर्षों में समाप्त कर केवल 2 बार सेवा काल में तबादला करने का प्रावधान होना चाहिए। इसके अलावा शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा को केवल क्वालिफाइंग स्तर पर बताते हुए उन्होंने कहा कि अंक के आधार पर स्थानांतरण अव्यवहारिक है। लगातार बारिश के बाद कई विभिन्न प्रजातियों के सांप देखने को मिल रहे हैं, जिनमें से कुछ सामान्य और कुछ दुर्लभ हैं। बुधवार को वाल्मीकि नगर के निवासी के घर से एक अत्यंत दुर्लभ सांप पकड़ा गया, जिसे कोरल रेड कुकरी स्नेक यानी मूंगा लाल कुकरी सांप कहा जाता है। ये विषहीन और रात में सक्रिय होने वाले सांप है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के फील्ड असिस्टेंट मुकेश कुमार के अनुसार ये सांप भारत में अत्यंत दुर्लभ है और इसकी मौजूदगी वन्यजीव विशेषज्ञों के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसे पहली बार 1936 में दुधवा नेशनल पार्क में देखा गया था। ये सांप वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 4 में सूचीबद्ध है और इसे संरक्षित किया जाता है। राजद के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने अपनी कार्यकर्ता संवाद यात्रा के दूसरे चरण का कार्यक्रम घोषित किया है। ये यात्रा 16 अक्टूबर को बांका से शुरू होगी और 26 अक्टूबर को गया में समाप्त होगी। 11 दिन की इस यात्रा के दौरान तेजस्वी 11 जिलों के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और उन्हें विधानसभा चुनाव के लिए प्रेरित करेंगे। तेजस्वी एक एक विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। यात्रा के दौरान वो 16 अक्टूबर को बांका, 17 अक्टूबर को जमुई, 18 अक्टूबर को मुंगेर, 19 अक्टूबर को खगड़िया और 20 अक्टूबर को बेगूसराय में रहेंगे। इसके बाद 21 अक्टूबर को लखीसराय और शेखपुरा, 22 अक्टूबर को नवादा, 23 अक्टूबर को नालंदा, 24 अक्टूबर को जहानाबाद और अरवल और अंत में 25-26 अक्टूबर को गया और टिकारी में कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की टी20 आई सीरीज का पहला मैच भारत ने 7 विकेट से जीतकर 1-0 की बढ़त बनाई है। ग्वालियर में खेले गए इस मैच में तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 3 विकेट लिए। इस सफलता के चलते अर्शदीप ने आईसीसी की ताजा टी20 आई रैंकिंग में 8 स्थान की छलांग लगाई और अब वे 8वें पायदान पर पहुंच गए हैं।
वहीं T20 आई बैटिंग रैंकिंग में हार्दिक पांड्या ने भी 7 स्थान ऊपर चढ़कर 60वां स्थान हासिल किया है। T20 आई ऑलराउंडर रैंकिंग में हार्दिक को 4 स्थान का फायदा हुआ, जिससे वे तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। ग्वालियर में हार्दिक ने 16 गेंदों में 39 रन बनाकर टीम को मजबूती दी थी। उनके प्रदर्शन ने दोनों खिलाड़ियों की रैंकिंग में सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1910 में वाराणसी में मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में प्रथम अखिल भारतीय हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ था। आज के दिन वर्ष 1964 में टोक्यो में हुए ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का पहली बार दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण किया गया था। आज के दिन वर्ष 1978 में रोहिणी खादिलकर राष्ट्रीय चेस प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम महिला बनी थी। आज के दिन वर्ष 1991 में भारत ने विश्व कैरम प्रतियोगिता का टीम खिताब जीता था। आज के दिन वर्ष 1992 में दूसरा हुगली पुल विद्यासागर सेतु खुला था। आज के दिन वर्ष 1906 में आर के नारायण का जन्म हुआ था। ये एक भारतीय उपन्यासकार थे। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे, उसका जवाब बताएंगे, जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, किस देश ने 8 अक्टूबर 2024 को विशाखापत्तनम में क्वाड राष्ट्रों के संयुक्त नौसैनिक अभ्यास की मेजबानी की थी? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी है भारत। इसका सही उत्तर है भारत। महाकुंभ 2025 के लिए बहुरंगी नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण किसने किया है? ऑप्शन ए है योगी आदित्यनाथ, ऑप्शन बी है केशव प्रसाद मौर्य, ऑप्शन सी अनुप्रिया पटेल, ऑप्शन डी है मनोज सिन्हा। इसका सही उत्तर है योगी आदित्यनाथ। 24वें लेफ्टिनेंट गवर्नर गोल्फ टूर्नामेंट का समापन किस केंद्र शासित प्रदेश में हुआ है? ऑप्शन ए है लक्षद्वीप, ऑप्शन बी है चंडीगढ़, ऑप्शन सी है लद्दाख, ऑप्शन डी है दिल्ली। इसका सही उत्तर है दिल्ली। बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष के में निर्णायक दिन निम्न में से किसकी थी? ऑप्शन ए है करारानी कबीले, ऑप्शन बी है सूर कबीले, ऑप्शन सी है फरमूली कबीले, ऑप्शन डी है नुहानी कबीले। इसका सही उत्तर है नुहानी कबीले। भोजपुर के उज्जैनी शासकों की राजधानी निम्न में से कौन सी थी? ऑप्शन ए संग्राम देव, ऑप्शन बी है राजा राम शाही, ऑप्शन सी है राजा नारायणमल, ऑप्शन डी है बाघमल। इसका सही उत्तर है बाघमल। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कॉमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देने के नाम है राजकिशोर महतो, पंकज कुमार, राजीव कुमार, उपेंद्र हासदा, रामनवमी मांझी, रवि कुमार राम, राहुल कुमार, कुश कुमार यादव, सुजीत सिंह, मोहम्मद साकिर हुसैन, रंजीत मिश्र, अब्दुल मनन, नुन्नू गोलू कुमार, मोतीलाल कुमार। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, इस बार दुर्गा पूजा के अवसर पर आपको अपने क्षेत्र में सबसे बढ़िया पंडाल किस जगह का लगा है? आप अपना जवाब हमें हमारे कॉमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अगर आप फेसबुक देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।